हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई ए एस माई नेम इज रोहित मेडा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस जीके का जून 2020 का फोर्थ वीक अब जून 2020 फोर्थ वीक की अगर मैं बात करूं ट्वेंटी ऑफ जून 2020 से लेके ट्वेंटी ऑफ जून 2020 तक के जो मिसलेनियस जीके के करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं तो बेसिकली क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये कौन कौन से एग्जा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो so बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ पर्सन इन न्यूज़ अपॉइंटमेंट्स ऑफ जो लोग नियुक्त हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो दुनिया में दुनिया से चले गए इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स जो नई बुक्स रिलीज हुई इंपॉर्टेंट डेज़ को लेकर एंड उसके बाद बात करूं मैं फर्दर स्पोर्ट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स को सबमिट्स को एंड अवार्ड्स को लेकर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ मिसलेनियस जी के पार्ट में एंड बेसिकली कौन कौन से एग्जाम्स के लिए ये जो हमारा सेशन है ये इंपॉर्टेंट रहता है डैट इज़ सी पी ओ एस एस सी का कोई भी एग्जाम हो सी जी एल सी पी ओ एम टी एस सी एच एस एल इसके बाद बैंकिंग के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बैंक के एग्जाम जैसे आर आर बी का नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है आई बी पी एस का कोई भी पेपर हो एस बी आई पी हो एस बी आई क्लैरिकल एंड आर बी आई ग्रेड बी उसके बाद मैं फर्दर बात करना चाहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम आते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम आते हैं तो उन सब में ये मिस जीके का पोर्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा मिसलेनियस जीके का पार्ट दैट इजन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ वीक चलिए स्टार्ट करते हैं डेज के साथ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोग्राफी डे की तो हाइड्रोग्राफी डे बच्चों बेसिकली किस लिए होता है हाइड्रोग्राफी डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं ऑशियंस के लिए बेसिकली जो भी उसकी मैपिंग्स होती है मापने के लिए तो यहां पर हाइड्रोग्राफी डे एक ऑर्गेनाइज किया जाता है कब 21 जून को वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 21 जून को हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इज ऑफ जून ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून को हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है दैट इज हाइड्रोग्राफी डे दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून और इस बार इसका थीम क्या रहा और इस बार इसका थीम क्या रहा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमियस टेक्नोलॉजीज तो हाइड्रोग्राफी में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को और प्रमोट करने के लिए यहाँ पे थीम यह चूज किया गया दैट इज हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमियस टेक्नोलॉजीज तो डट इज हाइड्रोग्राफी डे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इसको लेके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और दोबारा भी क्वेश्चन आएगा इसको लेके थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इज हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें 21 जून को एक तरफ तो होता है हाइड्रोग्राफी डे उसके अलावा 21 जून को कुछ अदर डेज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है 21 जून को ही बट हाइड्रोग्राफी डे इज वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इक्कीस जून और कौन कौन सा डेज होता है ह्यूमेस्ट डे होता है वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे तो हम्यूनिटी को लेकर बेसिकली ह्यूमेंस को लेकर ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके बाद बात करूँ म्यूजिक को लेकर वर्ल्ड म्यूजिक डे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है कि म्यूजिक की वैल्यूएशन बेसिकली म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स तो म्यूजिक को लेकर एक दिन ऑर्गेनाइज होता है कब ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून अगेन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून उसके बाद हम फर्दर बात करें अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे दैट इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे वर्ड रेन फॉरेस्ट डे ये रेन फॉरेस्ट डे कब होता है रेन फॉरेस्ट डे होता है 22 जून को ट्वेंटी ऑफ जून को 21 जून को तीन दिन होते हैं हाइड्रोग्राफी डे म्यूजिक डे एंड ह्यूमन डे उसके बाद 22 को आता है रेन फॉरेस्ट डे 22 को होता है रेन फॉरेस्ट डे नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल वीडोज डे अब वीडोज को बेसिकली मैं बात करूं तो वीडोज को दुनिया भर में उनके राइट्स नहीं मिलते हैं कंडीशन बहुत खराब रहती है दुनिया भर में तो वीडोज के राइट्स को और प्रमोट करने के लिए कि को उनके प्रॉपर राइट्स मिले उनको वैल्यूएट करने के लिए इंटरनेशनल डे यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बाद बात करें तेईस जून को एक तरफ तो इंटरनेशनल डे होता है दूसरी तरफ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है तेईस जून को ही दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल ओलंपिक को लेकर ओलंपिक गेम्स को लेकर यहाँ पे डे ऑर्गेनाइज किया जाता है तेईस जून को कब होता है ट्वेंटी ऑफ जून को और इस बार इसका थीम क्या रहा थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मूव लर्न एंड डिस्कवर मूव लर्न एंड डिस्कवर तो ये थीम इस बार चूज किया गया है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे को लेकर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक गेम्स चार साल बाद होती है अभी 2020 में होने वाली थी ओलंपिक ओलंपिक गेम्स क्या होने वाली थी टोक्यो में होने वाली थी टोक्यो जापान के अंदर होने वाली थी बट इनको पोस्टपोन कर दिया गया बट इनको पोस्टपोन कर दिया गया अब ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नहीं होगी 2021 में होगी कोविड के चलते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया 2021 में अब इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोविड के चलते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया वेन्यू वही रहेगा टोक्यो जापान बट 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा अब दैट इज ओलंपिक गेम्स इसके बाद बात करूँ तो नेक्स्ट ओलंपिक्स कब होने वाले नेक्स्ट होने वाले हैं दो में दो में होंगी पैरिस के अंदर पेरिस के अंदर 2024 में होंगे पेरिस का फ्रांस के अंदर उसके बाद फर्दर बात करें 2028 में 2028 में क्या होने वाला है 2028 में होने वाला है लॉस एंजलिस लॉस एंजलिस दैट इज अमेरिका यूएसए लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है 2028 में तो ओलंपिक वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मूव लर्न एंड डिस्कवर इस बार इसका थीम था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग तो बेसिकली ड्रग अब्यूज के खिलाफ ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं इज़ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट छब्बीस जून को बेसिकली हम डे ऑर्गेनाइज करते हैं 26 जून को और इस बार इसका थीम क्या रहा बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर देखिए बढ़ते हुए ड्रग्स को लेकर बढ़ता हुआ जो बेसिकली आज का यूथ है वो ड्रग्स की तरफ नशों की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है तो उन सबकी रोकथाम के लिए हम

ऑर्गेनाइज किया जाता है 27 जून को हम हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इट इज एम एस एम एंड इस बार इसका थीम क्या रहा इस बार इसका थीम रहा एम एस एम रिस्पोंडर्स टू सोशल नीड्स टू सोशल नीड्स अब यहां पे हम एम की बात करें तो एमएसएमई डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एम आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकानमी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये एम बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूशन करते हैं एक छोटा सा छोटा वेंडर से लेके एक बिजनेसमैन तक एमएसएमई में काउंट होता है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो माइक्रो बेसिकली माइक्रो में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वो सब माइक्रो का ही पार्ट है एंड उनके बिना इंडिया में लाइफ

एग्जाम में मोस्टली बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आते हैं बट कौन कौन सी किताबें होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि दुनिया भर में तो रोज ढेरों किताबें सैकड़ों किताबें लॉन्च होती हैं तो सारी किताबें तो हम नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे कुछ किताबें होती हैं जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं तो कौन कौन सी किताबें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं दैट इज वो किताब जिसको किसी फेमस राइटर ने लिखा हो किसी फेमस राइटर ने अगर वो किताब लिखी हो उसके बाद वो किताब जिसको कोई अवार्ड मिला हो वो किताब जिसको कोई अवार्ड मिला हो उसके बाद वो किताब जो हमारी किसी फेमस पर्सनालिटी ने लिखी हो उसके बाद वो किताब जो किसी फेमस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो नेक्स्ट वो किताब जिसको हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे वाइस प्रेसिडेंट या फिर किसी सीनियर लीडर ने या सीनियर अथॉरिटी ने उसको लॉन्च किया हो तो ऐसी किताबें होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं तो यहाँ पर एक किताब है द लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया ये जो किताब है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया ये किताब बेसिकली उस टाइम पे लिखी गई है जब महमूद ऑफ गजनी भारत आया था जब महमूद ऑफ गजनी भारत आया था तो उस टाइम पे भारत में किंग थे सुहेल देव तो उनके ऊपर बेसिकली किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट किया ये किताब उसके ऊपर लिखी गई है द लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया एंड किताब भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लिखी गई एंड लिखने वाले इंडिया के वन ऑफ द फेमस राइटर दैट इज अमीश त्रिपाठी अमीश त्रिपाठी जी ने ये किताब लिखी है बहुत ही उम्दा लेखक है भारत के हमेश त्रिपाठी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अमर्त्य सेन अब अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन ये नोबल प्राइज विजेता हैं इनको नोबल प्राइज मिला था इनको नोबल प्राइज कब मिला था इनको नोबल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में।, में इनको नोबल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में इनको नोबल प्राइज मिला था कब मिला था 1998 में 1998 में अमर्त्य सेन को भारतीय है ये तो इनको 1998 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज हमें पता है दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड है तो फॉर इकोनॉमिक्स 1998 में मिला था नोबेलॉमिक सेन को एंड 1998 में अमरत्या सेन को जब नोबल प्राइज मिला उसके बाद 1999 में 1999 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न भी दिया तो भारत रत्न भी मिला हुआ इनको भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है

चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सरकार बनाने जा रही है भारत में एक हजार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो इंडिया सेंटर्स अब खेलो इंडिया को फर्दर प्रमोट करने के लिए जो खिलाड़ी हैं उनको और अच्छे लेवल पे ग्रोथ पे लेके आने के लिए यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनाए जाएंगे खेलो इंडिया सेंटर्स तो पहले बेसिकली खेलो इंडिया सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं काम कर रहे हैं तो खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए जाएंगे एक हजार तो क्वेश्चन बच्चों ये आएगा कितने बनाए जाएंगे तो एक हजार बनाए जाएंगे एट द एंड हमें क्या चाहिए हमें चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो कितने बनाए जाएंगे एक हजार बनाए जाएंगे एक हजार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो इंडिया सेंटर्स यहां पे बनाए जाने वाले हैं सरकार और हमारे जो खेल मंत्री हैं इनका नाम है किरण रिजिजू किरण रिजिजू नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे दो का फीफा वुमेन का वर्ल्ड कप दो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप फीफा वुमेन यहां पे वुमेन की बात हो रही है तो वुमेन का तो वर्ल्ड कप है इसको ध्यान में रखना क्योंकि 2022 में होने वाला है क्या फीफा वर्ल्ड कप ये कहा होगा कतर में होगा 2022 में कतर में होगा और 2023 में वुमेन का होगा वुमेन्स का कहा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे एक कंट्री में नहीं होगा दोनों कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी बट 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो सिर्फ कतर में होने वाला है कतर और 2023 में वुमेन वर्ल्ड कप फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप चलिए आगे बढ़ते हैं यह वेन्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि सीधा वेन्यू को लेकर क्वेश्चन आता है कि विच कंट्रीज रेट टू होस्ट द 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहा होने वाला है कतर में होने वाला है ट टू हो फिफा वुमेन वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दैट इज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में से एक ऑप्शन आ सकता है दोनों ऑप्शन आएंगे तो बहुत ए एंड बी वाला ऑप्शन साथ में आएगा क्लियर ऐसा नहीं आएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ऑप्शन में आ जाए और आपको एक पिक करना हो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा दोनों आएंगे या तो ऑप्शन में या दोनों में से एक आएगा ऑप्शन में चलिए बात करते हैं आगे डेविस कप एंड फेड कप इनको पोस्टपोन कर दिया गया कोविड के चलते हुए बेसिकली डेविस कप सेप्टेंबर में होने वाला था

डेविस कप इट इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स तो डेविड कप टेनिस का एक कप होता है टेनिस का बेसिकली एक वर्ल्ड कप है टेनिस का टेनिस का कप होता है टेनिस एंड फेड कप इज आल्सो ऑफ टेनिस बेसिकली फेड कप वुमेन टेनिस के लिए होता है बेसिकली फेड कप जो होता है वो वुमेन टेनिस के लिए होता है तो दोनों टेनिस के ही हैं दैट इज डेविस कप एंड फेड कप चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना एक ग्रुप बनाया है एक 32 मेंबर का ग्रुप एक 32 मेंबर्स का ग्रुप इन्होंने क्रिएट किया है एक ऐसा ग्रुप जो ग्रुप क्या करने वाला है बेसिकली ओलंपिक्स में अभी मैंने बात की कि टोक्यो तो, ओलंपिक्स 2020 में होने वाले थे पोस्टफोन होकर दो हजार इक्कीस में होंगे तो दो में, तो में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में कौन कौन से शूटर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से शॉर्ट शूटिंग इवेंट में कौन कौन से भारतीय पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो डिसाइड करने के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए यहां पर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कोर ग्रुप बनाया है ओलंपिक्स के लिए बेसिकली तो बत्तीस मेंबर का ये ग्रुप है ट्वेंटी टू में वोविक एलेक्सेंडर वोविक ये बन गए हैं बेसिकली सर्बिया के प्रेसिडेंट तो ये ऑलरेडी सर्बिया के प्रेसिडेंट थे तो फिर से इन्होंने चुनाव जीता है तो नेक्स्ट टर्म के लिए भी इनको ही यहां पे राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया एलेक्जेंडर वोविक एलेक्टर वोविक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टी रविशंकर टी रविशंकर को नियुक्त किया गया यहां पे चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइट सर्विस दैट इज इफ्ट इसको शॉर्ट में इफटेस बोलते हैं दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइट सर्विस तो इफ्टैस के नए चेयरमैन नियुक्त हुए टी रविशंकर टी रविशंकर और यहां पे एक पोस्ट और नियुक्त की गई एक पर्सन को और नियुक्त किया गया उनका नाम है एन राजेंद्रन राजेंद्रन एन नारेंज, आ, आ, यहां पे नियुक्त किए गए हैं इसी बॉडी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो पेपर में पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसी चीजों को लेकर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज तो इफ टेस्ट के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए नए सीईओ ई नियुक्त किए गए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये चलिए आगे बढ़ते हैं

थोलिक सीरियन बैंक अब कैथोलिक सीरियन की बात कर रहा हूं मैं बैंक तो सीरियन बैंक की यहां पे अगर हम बात करें कैथोलिक सीरियन बैंक ये इसका पुराना नाम था तो हम देखते हैं कि ये सीरियन बैंक होगा नहीं ये सीरियन बैंक नहीं ये इंडियन प्राइवेट बैंक है ये इंडिया का ही बैंक है बट प्राइवेट सेक्टर बैंक है अब इसका नाम बदल के सीएसबी रख दिया गया अब इसको कैथोलिक सीरियन बैंक नहीं बोलते हैं बट ये केरला का बैंक है इट्स अ केरला बेस्ड बैंक

सेंट्रल बोर्ड में पंद्रह डायरेक्टर होते हैं उनमें से एक पोस्ट पे थे नटरंजन चंद्रशेखर जी तो नटरंजन जी का टर्म वहां पे खत्म हो गया था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोबारा से नियुक्त कर लिया है नटरंजन जी को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के अंदर ये टाटा सन्स के चेयरमैन है नटरंजन चंद्रशेखरन नेक्स्ट भारत की नेशनल चैंपियन निकी पूंचा निकी पूंचा इनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अंदर प्लेयर्स पैनल के अंदर इंक्लूड किया गया निकी पोंचा को इनको इलेक्ट कर लिया गया इनको यहाँ पे चूज कर लिया गया कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अंदर जो का पैनल है प्लेयर का पैनल उसके अंदर ये वर्क करेगी दो बार कॉमनवेल्थ में मेडल जीत चुकी है क्लियर निकी पोंचा नेक्स्ट वसीम हैफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए कोच नियुक्त कर दिए गए वसीम जफर वसीम जफर तो वसीम जफर भारत के एक बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं क्लियर क्रिकेटर रह चुके हैं ये तो वसीम जफर को दोबारा से यहाँ पे नियुक्त कर लिया गया उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच, कोच. संजीता चानु। संजीता चानु जी को मिला था द्वारा अर्जुन, अर्जुन, भारत, भारत अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया क्योंकि जब तक इनके ऊपर डॉपिंग चार्जेस चल रहे हैं एक तरफ एक खिलाड़ी के ऊपर डॉपिंग चार्जेस हैं और दूसरी तरफ हम उसको अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है तो अभी इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से इनके ऊपर जो डॉपिंग चार्जेस थे उनसे ये मुक्त हो गए बरी हो गई इनके ऊपर चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए तो इसी के चलते हुए अब इनको मिलेगा अर्जुन अवार्ड तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि संजीता चानू किस खेल से संबंधित है।, तो है, है, महाजन। महाजन है पंजाब की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब दैट इज विनी विनी महाजन महाजन नेक्स्ट थर्टी सिक्स इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो एसियान का हर साल एक समिट होता है क्लियर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन सबमिट तो छत्तीसवां सब्मिट हुआ है अभी अभी एसियान का थर्टी सिक्स सबमिट हुआ है एसियान को लेकर बट कोविड नाइन्टीन साथ चलते हुए इसको वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किया गया कहां ऑर्गेनाइज किया गया वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि इस साल की जो चेयरमैनशिप है एसियान की वो वियतनाम के पास है तो इसलिए इसको वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया गया एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज थीम तो इस बार इसका थीम क्या रहा थीम इज कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एसियान कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एसियान अब यहां पे हम बात क्यों कर रहे हैं इसकी क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं देखिए एसियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एसियान

पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए उसके बाद जब 2015 में दो हजार में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने 2015 में इस लुक ईस्ट 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 पॉलिसी 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 को बदल के कर दिया एक्ट एक्ट साथ सिर्फ दो हजार इनके साथ टाइप करो, करो तो एक्टिस्ट पॉलिसी के चलते हुए ये जो एसियान कंट्रीज हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हालांकि इंडिया एसियन का मेंबर नहीं है बट फिर भी इंडिया आसियान के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता है नीचे जो भी कंट्री है साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में दैट इज थाईलैंड इंडोनेशिया कैंबोडिया लाहौस ब्रुनाई ये सब एशियान के मेंबर है।, है और एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में वो है जकार्ता में वो है जकार्ता के अंदर तो क्लियर हो गया होगा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बात करते हैं ओबिजरीज की कुछ ऐसे लोग जो दुनिया को अलविदा कह गए तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वा बंधु गुप्ता विश्वा बंधु गुप्ता ये विश्वा बंधु गुप्ता जी एक पॉलिटिशियन थे और एक जर्नलिस्ट थे तो क्वेश्चन कैसे आता है को लेकर को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि विश्वा बंधु पास डवे विश्वा बंधु गुप्ता पास डवे ये किस फील्ड से थे ये पॉलिटिशियन थे ये एक्टर थे ये सिंगर थे ये क्या थे तो ये पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट थे उसके बाद बात करते हैं पप्पू केटी भक्तावर की तो भगवातर जी क्या थे भगवातर जी बेसिकली एक फेमस सिंगर और एक्टर थे अगेन क्वेश्चन वैसे ही आएगा कि ये फेमस क्या थे और किस स्टेट से थे केरणा. केरणा. उसके बाद बात करें शाह। ये एक सोशल वर्कर थी और एक्टिविस्ट थी इनको लास्ट ईयर पद्मश्री से नवाजा गया था तो ये अब नहीं रही इनका देहांत हो गया नेक्स्ट राजिंदर गोयल रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल जी अब नहीं रहे तो राजेंद्र गोयल को लेकर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये कौन से खेल से संबंधित थे तो ये क्रिकेटर थे फुटबॉल थे खेलते थे बास्केटबॉल खेलते थे टेनिस से संबंधित थे तो ये क्रिकेटर थे उसके बाद बात करें फेमस इकोनमिस्ट बीपीआर वित्तल तो बीपीआर वित्तल साहब भी नहीं रहे उसके बाद बात करें एक फेमस शूटर दैट इज पूर्णिमा जनाने पौर्णिमा जनाने तो इनको लेकर भी क्वेश्चन ऐसी आएगा कि पूर्णिमा जनाने जी किस किस गेम से संबंधित थी तो ये शूटिंग से रिलेटेड है तो ये भी अब नहीं रहे तो एक कुछ फेमस ऑबिचरीज थी जो लोग दुनिया को छोड़ के चले गए तो ये था हमारा आज का मिसलेनियस जीके का सेशन ये था हमारा आज का मिसलेनियस जीके का सेशन इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसको लेकर एम सी क्यूज अटैम्प्ट करने हैं तो आपको हमारे पोर्टल पे जाना पड़ेगा वहाँ पे जाके आप एम सी क्यूज अटैम्प्ट कर सकते हो इसका पी डी एफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पोर्टल पर जाना है और पी डी एफ इसकी आपको मिल जाएगी वहां पर एंड नेक्स्ट क्लासेस से हम इसके अंदर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे एम सी क्यूज को भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास के रिलेटेड मतलब इस क्लास के एम सी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको और हेल्प हो जाएगी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी तो इट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे